देखिए जा रहे हैं आज मशरूम का सब्जी बनाने, तो देखिए मार्केट से मशरूम लाए हैं। तो देखिए मार्केट में मशरूम पहले से लिया के सब रखे रहते हैं तो काला पड़ जाता है। देखिए इसको हम छील लेंगे, इसे ऊपर का देखिए ऐसे हम छील लेंगे आराम से, इसका फटाफट एकदम छिला जाता है। ऐसे आप यहाँ पकड़ेंगे तो देखिए इसका डंठल हम निकाल देंगे, थोड़ा दूरी पे काटेंगे, इसमें थोड़ा सा हम गर्म पानी डालेंगे। गर्म पानी में 2 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। कढ़ाई गर्म हो गया, थोड़ा सा इसमें हम तेल डालेंगे। तो देखिए 2 मिनट हो गया था, पानी में से निकाल दिए इसको। अब इसको हम पहले कल्हार देंगे, देखिए अभी पानी तेल में है। ये लाल मिर्च है जिसे कलर आता है, ये गर्म मसाला है, ये धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी है, और ये खड़ा मसाला है जिसमें 2 मिर्च है और 2 बड़ा छोटा इलायची है, दालचीनी है, जीरा है, और 1 तेज़पत्ता है, और 1 कस्तूरी मेथी है। तो पहले हम जीरा डालेंगे, दालचीनी भी डाल देंगे, लाल मिर्च डालेंगे। लाल हो गया, इसमें हम प्याज डालेंगे, इसमें हरा मिर्च है 4-5, वो भी डाल देंगे। प्याज लाल होने तक हम चलाएंगे। अदरक प्याज का पेस्ट है, अब इसको हम डाल देंगे इसी में। इसको भी हम भूनेंगे इसी तरह 2-3। देखिए 2 मिनट हो गया है, इसका कलर भी बदल गया है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर, नमक स्वाद अनुसार डाल दिएगा। इसको भी हम 1-2 मिनट भूज लेंगे थोड़ा सा। देखिए टमाटर एकदम मुलायम हो गया है, अब इसको हम इसी में मसाला डाल देंगे। तो पहले धनिया डालेंगे, थोड़ा हल्दी है इसमें भी, और ये गरम मसाला है, लाल मिर्च बाद में डालेंगे, इसको हम रख देंगे अभी। अब इसको हम ढक के भूजेंगे मसाला को। डालेंगे मटर, मसाला का भी कलर थोड़ा चेंज होने लगा है तब मटर डालेंगे। अब मसाला के साथ मटर भी गल जाएगा। देखिए मसाला भिजा रहा है, तेल भी छोड़ रहा है मसाला। तो देखिए ये कलर वाला मिर्चा है जिसे हम डालेंगे तो कलर आएगा, तब इसको भी हम डाल के चला देंगे। पानी डालेंगे, पानी अपने हिसाब से डालना है, उसे मशरूम में पानी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। इसमें डाल देंगे, देखिए मशरूम का सब्जी बनके तैयार हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ धनिया, देखिए कितना अच्छा कलर आया है, तभी हम आपको दिखाते हैं। हाँ चल बोलो। तो देखिए सब्जी बनके तैयार हो गया है, मशरूम का सब्जी बनके तैयार हो गया है। तो इसी तरह आप लोग अपने घर में बनाइएगा, और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।